मैनपुरी अब रुक करना होगा, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त पहुंच गए नामांकन दाखिल करने, पर्चा उन्हें भरना है। तस्वीरें हम आप तक लगातार लाइव पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही उनका विजय रथ यात्रा के जरिए यहां पर पहुंचना हुआ है। इस पर प्रमुख तौर पर आज जो नोट करने वाली चीज मिली वो थी सरदार पटेल की तस्वीर, जो इस विजय यात्रा के रथ पर लगाई गई है। और देखिए ठीक पीछे भीड़ के ये विजय रथ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अखिलेश यादव अब निकलकर बाहर आ चुके हैं, नामांकन दाखिल करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद करहल सीट से नामांकन दाखिल किया जाना है। ऐसे में आज सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए वो सैफई पहुंचे और सैफई से सीधे मैनपुरी का रुख किया है उन्होंने। दरअसल ये वो क्षेत्र है, वो जगह है जो यादवों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में लंबे वक्त तक कयास लगाए जाते रहे कि आखिरकार अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। करहल सीट से अब चुनाव लड़ने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज इसमें पहला कदम, यहां से नामांकन दाखिल किया जाना है अखिलेश यादव की ओर से। यादव वोट सबसे ज्यादा यहां से समाजवादी पार्टी की यहां पर अच्छी पकड़ बताई जाती है। मुलायम की कर्मस्थली रही है, उनका कॉलेज भी यही है और सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है करहल, इसलिए तमाम बातें बेहद अहम। यहां से ही क्यों दांव चला है अखिलेश यादव ने, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो, इससे पहले लोकसभा से सांसद रहे हैं। आजमगढ़ सीट उनका संसदीय क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं और यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव ये कहते रहे कि आजमगढ़ के लोगों से इजाजत लूंगा, उसके बाद मैं तय करूंगा। फिर तय हो गया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर कयास लगाए जाने लगे कहां से लड़ने जा रहे हैं। तो आखिरकार अब करहल सीट का चुनाव कर लिया गया है और ये देखिए कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर कम ही भीड़ दिखाई दे रही है, उनके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा है और उस बीच अखिलेश यादव अब नामांकन दाखिल करने करहल सीट से पहुंच चुके हैं। पर्चा भरने से पहले अपने चाचा शिवपाल यादव से भी मिले, उनसे हाथ मिला लिया है। अब लंबे वक्त तक अलग रहे शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ हैं। पारिवारिक तनाव सब कुछ दूर कर लिया गया है, मनमुटाव दूर कर लिया गया है और उनसे मिलकर ही अखिलेश यादव आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। आमतौर पर अगर कोरोना प्रोटोकॉल नहीं होता तो लंबा चौड़ा हुजूम यहां पर अखिलेश यादव के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा होता, क्योंकि विजय यात्रा में ऐसा ही देखा गया था। जहां जहां ये विजय यात्रा रथ चला था अखिलेश यादव का, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे थे। हालांकि आज उतनी संख्या में समर्थक तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब पर्चा दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे, एक बार फिर से समर्थकों का जमावड़ा, बधाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। श्रेया चटर्जी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, पहुंच चुके हैं अब जिलाधिकारी के दफ्तर, अखिलेश यादव यहीं से पर्चा दाखिल करने वाले हैं और आज का जो पूरा का पूरा फोकस है दरअसल उत्तर प्रदेश का, वो इसी नामांकन पर केंद्रित है, क्योंकि अब तो साफ हो चुका है कि करहल से उन्हें विधानसभा की लड़ाई लड़नी। जी हाँ बिल्कुल, आपको अगर यहाँ की अभी थोड़ी स्थिति दिखाए कि इस रथ में चढ़ के अखिलेश यादव मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंचे, अभी वो अंदर है। आप सिक्योरिटी कवर भी देख सकते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में उनके जो समर्थक है उनके साथ चल के आए सैफई से, तो सिक्योरिटी कवर भी आज बहुत ज्यादा तगड़ी है। दूर 1 किलोमीटर पहले उनके समर्थकों की गाड़ियों को भी रोक लिया गया और आप देख सकते हैं कि आगे मीडिया की भी जाने की अनुमति नहीं है और वो अभी अंदर पहुंच चुके हैं अपना नामांकन भरने के लिए। ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है और इसके बाद आके वो बाहर आएंगे और ये पहली बार है जो वो एक विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं करहल असेंबली सीट से, अपने घर सैफई से करहल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हुए वो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पहुंचे। जगह जगह पे उनकी समर्थक मौजूद से इन्होंने बात भी की, आप देख सकते यही वो रथ है जिसपे चढ़ के सैफई से अखिलेश यादव आए यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और जगह जगह उनके समर्थक थे। हालांकि मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के अंदर उनके समर्थकों को आने की अनुमति नहीं दी गई सिक्योरिटी कवर के चलते, लेकिन इसके बाद अभी भी उनके जो समर्थक है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं 1 किलोमीटर की दूरी पे, जब निकलेंगे अखिलेश यादव नामांकन भरने के बाद, साथ ही वो काफिला वापस जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो प्रिपरेशन है, सिक्योरिटी कवर है और अंदर अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल कर। दिलचस्प बात यह है कि अब इसमें सरदार पटेल का चेहरा भी अचानक नजर आने लगा है, दिखाइए हमारे दर्शकों को।
जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये रथ की हम पूरी जो छवि है आपको एक बार हम दिखाते हैं। ये रथ में पहले तो हमने मुलायम सिंह यादव की छवि भी देखी थी और आप देख सकते हैं वो तस्वीर जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं ये तस्वीर। लेकिन हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले से ही मौजूद था।